वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पिक्सल एक्सपीरियंस रोम कैसे इंस्टॉल करें जो कि रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 8 प्रो और यहाँ पे देख सकते हो 12.0.4.0 जो कि एंड्रॉइड 10 मिल जाता है 1 जनवरी का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे एक इंडियन वर्जन है, आप यहाँ पे मेथड ग्लोबल वर्जन में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डेटा बैकअप कर लेना होगा जो कि इस मेथड में यहाँ पे डेटा इरेज होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जो कि आपके यहाँ पे बूट लोडर भी अनलॉक कर लेना है जो कि बूट लोडर अनलॉक करना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यहाँ पे बूटलोडर अनलॉक है लॉक है अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है। उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर ऑप्शंस में जाना है जो कि देख सकते हो OEM अनलॉकिंग जो कि बूटलोडर इज ऑलरेडी अनलॉक चूंकि मेरे डिवाइस के यहाँ पे बूटलोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे मैं बेशक अभी पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको डेटा भी बैकअप करना है जो कि इस मेथड में यहाँ पे डेटा इरेज होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट मोड में बूट करना है। तो फास्ट बूट मोड में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो आपका डिवाइस यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ होने के बाद यहाँ पे फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। देख सकते हो डिवाइस यहाँ पे ऑफ हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है फास्ट बूट मोड में जो कि आपको सिंपल वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको आना है PC में, PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल TWRP पिक्सल एक्सपीरियंस रोम, उसके बाद मैजेस मैनेजर APK, रूट चेकर APK, मैजेस मैनेजर ZIP, यहाँ पे ये तीनों जो है रूट के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद ये तीनों यहाँ पे कस्टम रोम इंस्टॉल्ड करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के साथ रूट करना है तो यहाँ पे आप बेशक सभी डाउनलोड कर लेना होगा। फर्स्ट प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि फोल्डर आपको एक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करना है, इसके अंदर और एक फाइल है इसको भी यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल टाइप करना है जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेना है जो कि यहाँ पे TWRP इसको जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि यहाँ पे एक zip फाइल है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, इसको ओपन करना है। इसके अंदर यहाँ पे फ्लैश TWRP इसको यहाँ पे सिंपल क्लिक कर लेना है जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लैशिंग TWRP। तो सिंपल आपको वेट कर लेना है एनी की टू कंटिन्यू। उसके बाद जो यहाँ पे क्लोज कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे आपको आना है डिवाइस में, डिवाइस में आने के बाद यहाँ पे पॉव की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पॉव की को यहाँ पे रिलीज कर देना है जो कि डिवाइस ऑफ होते ही यहाँ पे पॉव बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है। तो देख सकते हो डिवाइस ऑफ हो चुका है, पॉव की को यहाँ पे रिलीज कर देना है डिवाइस ऑफ होते ही। उसके बाद वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में। तो सिंपल आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो TWRP आ चुका है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे आना है फिर से PC में। PC में आने के बाद ये चारों फाइल को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अगर आपको रूट इंस्टॉल करना है तो तीनों को कॉपी करना है, अगर आपको रूट नहीं इंस्टॉल करना है तो तीनों को स्किप करना होगा। सिंपल आपको एक रॉम को यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं सभी कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे दिस PC रेडमी नोट 8 प्रो और यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज भी कॉपी कर लेना है। फर्स्ट यहाँ पे रॉम और यहाँ पे मैजेस मैनेजर ZIP को, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल कॉपी होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना होगा अपने डिवाइस को PC से। तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है डिवाइस में। तो डिवाइस में आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे स्वाइप टू अनलॉक कर लेना है। उसके बाद वाइप में जाना है, आपको यहाँ पे एडवांस वाइप, डेल्विक सिस्टम, वेंडर डेटा, आपको यहाँ पे आपको कैश सभी वाइप कर देना है। इंटरनल स्टोरेज, SD कार्ड, OTG तीनों छोड़ के सभी यहाँ पे आपको वाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको होम प्रेस करना है, इंस्टॉल में जाना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट रॉम इंस्टॉल्ड कर लेना होगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो रॉम इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद स्वाइप टू अनलॉक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर रूट होना है तो यहाँ पे आपको मैजेस मैनेजर ZIP को इंस्टॉल करना होगा। अगर आपको रूट नहीं होना तो बेशक आप इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको होम प्रेस करना है, वाइप में जाना है, फॉर्मेट डेटा आपको यहाँ पे यस कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना है जो कि डिवाइस यहाँ पे फॉर्मेट होने तक। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि डिवाइस रेडमी का लोगो आ चुका है। तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना है जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे बूट होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है जो कि गूगल का लोगो, और यहाँ पे आप बेशक यहाँ पे बूट होगा आपका जो है पिक्सल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बेशक आप एक इजी मेथड से अपने डिवाइस में यहाँ पे आप पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल कर सकते हो। आपका डिवाइस यहाँ पे ब्रिक नहीं होगा, जो कि एक सिंपल और यहाँ पे सिक्योर मेथड है, जो कि यहाँ पे ये मेथड फॉलो करके अपने डिवाइस में आप पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को भी इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे यही मेथड फॉलो करके आप कौन सा भी रोम इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे रोम पसंद है आप वहाँ पे वो रोम डाउनलोड करके यहाँ पे यही मेथड से आप इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे ये मेथड जो यहाँ पे ग्लोबल और यहाँ पे इंडियन वर्जन में दोनों में यहाँ पे वर्क होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।